Hello everyone and welcome to our channel Desi couple on the go जिसमें मैं मेघा और मैं सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे places और आप देख रहे हैं हमारी फिनलैंड की ट्रैवल सीरीज और इस वीडियो में आप देखेंगे कि फिनलैंड की ट्रेन जर्नी आकर होती कैसे है आज हम लोग जाने वाले हैं रोवेनेमी सिटी से वापस हेलसिंकी वाया नाइट ट्रेन और ये जो ट्रेन है ये रात को 9 बजे शुरू होगी और कल सुबह 9 बजे पहुंचेगी पूरे 12 आवर्स लेगी और सिर्फ 1 आवर और बचा है ट्रेन को स्टार्ट होने के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी फर्स्ट नाइट ट्रेन एक्सपीरियंस होने वाला है इन यूरोप Megha, but I think you have been in night train earlier as well. Yes, I was sitting when I went to Milan from Rome. Then, I and my friends, we traveled with night train. But my and Saurabh's first time night train experience in Europe. So, we go with you and show you how the trains and night train journey and night train journey experience. So, let's go. We reached the station. Taxi came. And station kya hai? Yahan likha hai. राउतातियसम्या देख सकते हैं आप बहुत ही गंदा प्रोनाउंसिएशन हुआ है बट ये है स्टेशन और काफी भीड़ दिख रही है अंदर तो चलते हैं अंदर और देखते हैं स्टेशन और ट्रेन और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि यहां का ट्रेन और स्टेशन दिखता कैसा है और आपको भी दिखाते हैं चलिए अंदर जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर ने बताया कि ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है क्योंकि रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया है हमने रंग महल इंडियन रेस्टोरेंट से डिनर पैक कराया था हमारा प्लान ये था कि ट्रेन में बिल्कुल इंडिया की तरह आराम से खाना खाएंगे एंड अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को रिविजिट करेंगे बट इतनी देर तक खाना भी ठंडा हो जाता एंड भूख भी बहुत लग रही थी फिर स्टेशन पर वेट करने से अच्छा था हमने सोचा कि यहाँ लॉकर में अपना बैग रख कर वापस रंग महल चलते हैं एंड वहाँ आराम से बैठकर डिनर करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है और हमको डिनर करना है तो हमने हमारा एक बड़ा बैग इस लॉकर में रख दिया है 4 यूरोज इसका प्राइस है 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट है अब चलते हैं वापस और जल्दी से डिनर कर लेते हैं क्योंकि 2 घंटे नहीं किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी लेट्स गो रंग महल इंडियन रेस्टोरेंट रोवेनेमी ट्रेन स्टेशन से पास ही था इसलिए स्टेशन के बाहर से ही हम लोगों ने टैक्सी ली एंड वी वर बैक टू द रेस्टोरेंट लॉकर में अपना बड़ा वाला सूटकेस रखने के बाद हम लोग आके बैठ गए वापस रंग महल रेस्टोरेंट में क्योंकि ट्रेन है 2 आवर्स डिले और यूजुअली ऐसा होता नहीं है बट स्नो के कारण और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गया है तो ट्रेन डिले हो गई है और हम लोगों ने डिनर नहीं किया था और ब्रेकफास्ट तो किया था बट जो लंच था वो वेजिटेरियंस के लिए कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे वहाँ पे तो सिर्फ ब्रेड खाया था बटर के साथ सो वी वर रियली हंग्री और 2 घंटे वहाँ खड़े रहते और भूख लगती रहती तो सोचा वापस आ जाते हैं और यहाँ पर बैठ के डिनर कर लेते हैं आज मेरा पूरा प्लान था कि बिल्कुल इंडिया की तरह ट्रेन में बैठ के मैं डिनर करूंगा बट वो नहीं हो पाया बट आई फिंगर क्रॉस की ट्रेन चले चाहे 2 घंटे बाद चले बट चले और एटलीस्ट मेरा फर्स्ट नाइट ट्रेन का एक्सपीरियंस हो पाया यूरोप में और नहीं तो पूरा जो उसके आगे का प्लान है ना वो भी खराब हो जाएगा बट फिंगर्स क्रॉस हम लोग यहाँ करते हैं डिनर और फिर मिलते हैं आपको वापस ट्रेन के अंदर या ट्रेन को बाहर से देखते हैं बट होपफुली ट्रेन चल जाए आ गए हैं वापस स्टेशन और जो ट्रेन है वो है 11:15 पे तो अभी भी 1 आवर से ज़्यादा है जो हमें यहाँ वेट करना है आपको भीड़ दिखाते हैं कितनी सारा भीड़ है यहाँ पर ये सारे बैग्स रखे हैं और फिर सारे लोग बैठे हुए हैं पूरी जगह पे इधर 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 बच्चे खेल रहे हैं जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए हैं दिस इज़ वॉट हैपन्स लग रहा है ना बिल्कुल इंडिया टाइप का माहौल जब ट्रेन लेट हो जाती है तो बैग्स देख रहे हैं आप इतने सारे बैग्स हैं कैसा लग रहा है मेरा ग्लास इग्लू के बाद रोवेनेमी के ट्रेन के स्टेशन पे बैठे हैं एक्चुअली मैं ट्रेन अब 3 घंटा डिले हो गई है 3.5 घंटा इनफैक्ट 12:30 की ट्रेन हो गई है
तो हमने भी पेपर लिया और बिछाया और बैठ गए नीचे, क्योंकि इतने घंटे तो हम नहीं खड़े हो सकते अब, क्योंकि अभी बजा है 10:39, तो मतलब 2 घंटा है अभी ऑलमोस्ट. या विल वेट, विल वेट, होपफुली आ जाए 12:30 पे आ जाए. पता नहीं अभी तो लग ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है आएगी भी कि नहीं आएगी, बट बैठे हैं अभी हम. And after more than 4 hours of delay, station master ने announce किया कि train आने वाली है. सब लोग ये सुनकर बाहर platform पर आ गए and train के आने का wait करने लगे. बाहर का temperature उस time पर -20 degrees था और थोड़ा थोड़ा snowfall भी हो रहा था. And here is our compartment 205 206. So welcome to our cabin. और मैं देती हूँ आपको इस फिनलैंड की ट्रेन का आखिर कंपार्टमेंट होता कैसा है. और छोटा सा ही है बट ले लॉट ऑफ थिंग्स. पहले तो ऑफकोर्स दो बर्थ्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और इसमें ब्लैंकेट्स हैं, एक वाटर बॉटल दिया है, टॉवल्स हैं, नैपकिन है, पिलो है. ये क्या है, ये क्या सीट बेल्ट टाइप्स है, लेट्स फाइंड आउट. और पुली भी है, और अगर फायर लग जाए तो इसको ब्रेक करने के लिए यू हैव दिस एज वेल. यहाँ पे दो चार्जिंग के सॉकेट है, सो यू कैन चार्ज योर फोन जैसे इंडियन ट्रेन में भी होते हैं. और ऊपर जाने के लिए दिस इज द स्टेयर्स. और अगर सोच रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये तो है जैसे इंडिया में, इंडिया के ट्रेन में नहीं होता है नंबर के, अगर आपको कुछ सर्विस चाहिए या यू नीड समथिंग तो यू कैन गिव अ कॉल. वैसे ही यहाँ पे ये QR कोड है, इसे स्कैन करके यू कैन अवेल द सर्विस व्हाटएवर यू वांट. और इस में रेस्टोरेंट भी है, तो देखते हैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं इस ट्रेन का. कल मॉर्निंग में दिखाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत थक गए. और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे क्योंकि अब ट्रेन हमारी 1 बजे पहुँचेगी तो भूख लगेगी. तो दिस इज हाउ आवर केबिन लुक्स. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसका खुलता कैसे है. सो दिस इज द की, दो कीज है और इससे खुलता है ये. इसको वापस लगा दो तो पता चला लाइट्स बंद हो गई. और क्योंकि यहाँ बहुत ठंडी होती है तो टेम्परेचर सेट करने के लिए दिस इज ऑल्सो देयर. सो ऊपर करेंगे तो ज़्यादा वार्म हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ठंडा हो जाएगा, जैसा होता ही है. एक और सॉकेट है यहाँ पर और ये लाइट्स ऑफ, लाइट ऑन. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, कि खुद का टॉयलेट है. सो देयर इज नॉट अ कॉमन टॉयलेट, यू हैव गॉट योर ओन टॉयलेट इन द केबिन. और अगर आप सोच रहे हैं कि उठ गए तो आखिर बैठेंगे क्या, क्या इसी पे बैठना होगा, नहीं, उसके लिए एक छोटी सी सीट है एंड छोटी सी टेबल भी है. सो यू कैन, वन पर्सन कैन सिट हियर एंड द अदर पर्सन कैन सिट देयर एंड देन वी कैन हैव आवर फूड एंड ड्रिंक्स. और आप अपने आप को मिरर में भी देख सकते हैं, और वो है इस गेट के पीछे जो मैं दिखाती हूँ. और ये है मिरर जिसमें और सारे दिख रहे हैं. So you can see yourself full. और यहाँ पर आप अपने जैकेट्स टांग सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जैकेट्स होते हैं तो आपको टांगने के लिए 1, 2, 3, 4 चीज़ें हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैकेट्स पहन के तो आप सो नहीं सकते. तो ये है हमारा केबिन फिनलैंड की ट्रेन का. तो मैंने ले लिया है ऊपर का बर्थ और सौरभ सोएगा नीचे के बर्थ पे. एंड एवरीथिंग इज सो क्लीन, चाहे ये बेडशीट हो, ये ब्लैंकेट हो या ये पिलो कवर हो, एवरीथिंग लुक्स सो क्लीन.
बट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये ट्रेन खड़ी हुई थी ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स से, तो जो रनिंग वाटर है वो हो गया है फ्रीज, तो जो वॉशरूम है उसमें रनिंग वाटर नहीं आ रहा है. सो यू कांट यूज योर ओन वॉशरूम. सिर्फ एक हमारा जो ये पूरा कंपार्टमेंट है इसका नंबर है 22, तो 23 के एक केबिन में आ रहा है अभी भी, तो उसका अलग से की मिल गया है. तो अगर आपको वॉशरूम यूज करना है फ्लश के साथ तो जाना पड़ेगा पूरा 23 तक, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. बट नेवरदलेस इतने देर से बैठे हुए थे तो थक गए हैं, एंड इट्स टाइम टू स्लीप. तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में. क्योंकि हमारे केबिन में पानी नहीं आ रहा था तो जो ट्रेन का इंचार्ज है वो आके बोला कि आपको नया केबिन दे देते हैं विच इज 26 कंपार्टमेंट में 201 208. तो हम जा रहे हैं वहां. देख रहे हैं कितना आइस जमा है. Here is our new cabin, 201 and 202. Let's go in. Exactly the same, but bed sheet different. In fact, ज़्यादा अच्छी bed sheet है. और क्या shower? और आ रहा है क्या? इसके अंदर flush हो रहा है. Exactly हो रहा है. हो रहा है. Happy. And now it's time to say good night. मिलते हैं कल morning में. We will be in Tampere. It takes about 5 or 10 minutes, and then we continue to Helsinki. Good morning. Good morning. And this is how it looks outside. Aisa lag raha hai bahar. इंडिया की तरह इनकी वेबसाइट पर भी दिख रहा है कि आपकी ट्रेन कहाँ पर है, कितना दूर है, कितना लेट चल रहा है. तो ये वीआर कंपनी की ट्रेन्स हैं, तो इनकी वेबसाइट है उस पर मैं चेक कर रहा हूँ. अगला जो स्टॉप है वो है हेलसिंकी. इस वेबसाइट की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि अगर आप ट्रेन जर्नी करना चाहें यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ रनिंग स्टेटस. बहुत ही हालत ख़राब है, अभी भी नींद आ रही है, मगर आप लोगों को दिखाते हैं इसका शावर एरिया. हम लोग तो यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हेलसिंकी. तो वहीं seuraavina Pasilan autojuna-asema ja Pasila. Pysähdymme autojuna-asemalla. तो अभी एक और स्टॉप आएगा, उसके बाद आएगा हेलसिंकी. एनीवेज, सो अभी आपको दिखाते हैं. ये है सेम ही है, यहाँ पर सोप भी थे. ये सोप रखे हुए हैं, कप रखे हुए हैं पानी पीने के लिए, शावर कैप. ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज दिस शावर. You have to turn it here. Oh, nice. Okay. Ye soap hai. Oh. Lux ka soap hai. Push. Pani mat dalo upar se please. Abhi lagta hai pani band kar diya hai wapas. So aise aap shower kar sakte hain. ठीक है, ट्रेन के हिसाब से तो इट्स अ गुड स्पेस. और क्योंकि अभी WC क्लोज है इसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है, तो जो प्रॉब्लम हमारे पुराने केबिन में थी वो लग रहा है इसमें भी हो गई है. फ्रीज हो गया है पानी शायद, बट एनीवेज वी विल हेड बैक टू आवर केबिन क्योंकि वहां पर हमारा पूरा सामान रखा हुआ है. ऑल सेट टू गो आउट हेलसिंकी. All dressed up again. Let's go.
पहुंच गए हैं हेलसिंकी और ये रही हमारी ट्रेन और उस पे लिखा है सांता क्लॉज फिनलैंड। तो चलते हैं आगे और आपको स्टेशन भी थोड़ा दिखाते हैं, लेट्स गो। हमारी ट्रेन की जर्नी बहुत ही एडवेंचरस रही। अभी तो पहुंच गए हम लोग जहां पे हम लोग करने वाले हैं स्पा हेलसिंकी के अंदर, बट इट वॉज एन एडवेंचरस ट्रेन जर्नी। हमारा स्टार्ट हुआ था ट्रेन का, 3 आवर्स ट्रेन लेट थी, वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, वेटिंग रूम नहीं था, वी वर जस्ट सिटिंग ऑन द फ्लोर। इन द एंड ट्रेन 2.5 आवर लेट थी और हम लोग 12 बजे बाहर आ पाए। वैसे अगर ये सब नहीं होता और रास्ते में हमारा पूरा जो वाटर था वो फ्रीज हो गया था, तो केबिन में पानी नहीं था, तो केबिन चेंज किया, थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा रात भर एडवेंचर। बट अगर वो सब नहीं होता तो ट्रेन जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल। जो उसके बेड्स थे, जो नींद आई वो बड़े अच्छे से आराम से नींद आई, वार्म था पूरा, तो दैट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। और अगर आप लोग भी करना चाहते हैं ऐसा एक्सपीरियंस तो वी वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू दिस ट्रेन जर्नी, क्योंकि उससे वही होगा कि एक होटल का नाइट आपको बुक नहीं करना पड़ेगा और आप ये ट्रेन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हाँ, और जैसे सौरभ बोल रहा था, माइनस द एडवेंचर, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। और इसका प्राइस था, वैसे तो हमारे पैकेज में बुक था, मगर इसका प्राइस अराउंड 50 यूरो था फॉर 1 पर्सन, सो इट्स यू कैन ईजली बुक। तो कैसी लगी आपको फिनलैंड की ट्रेन और उसका एक्सपीरियंस, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी करें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल का नाम है देसी कपल ऑन द गो और फेसबुक पे है शेड्स ऑफ मैक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।